नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं रिजवान आलम नूरी आज मैं मौजूद हूं अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज दबड़ा में। आइए जानते हैं इसी दबड़ा के पैक्स अध्यक्ष पीयूष राज के पिता श्री सह प्रतिनिधि से इनका परिचय और इनके पैक्स की समस्याएं। महोदय, कानूनी जंग न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस पैक्स की सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रहा है महोदय आपको? पैक्स में सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार जो भी किसान की समस्या है सब समस्या को डायरेक्ट चेयरमैन के हाथ में देना चाहिए, जिससे क्योंकि चेयरमैन ही जानता है कि कौन मेरा छोटा किसान है, कौन बड़ा किसान है, कौन खेती करने लायक है, कौन नहीं करने लायक है और किसको क्या आवश्यकता है। इसकी सारी समस्याएं किसान या पैक्स चेयरमैन ही आपसी सामंजस्य से बता सकता है। कारण है किसान के अध्यक्ष आप हैं, आप उनकी समस्या को अवगत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पैक्स चेयरमैन को इतनी कोई सुविधा नहीं है, ना पैक्स में खाद का लाइसेंस का व्यवस्था है, ना पैक्स में पीडीएस लाइसेंस का व्यवस्था है, ना पैक्स में हरित कृषि यंत्र जो है ना उसकी सुविधा है। सेंक्शन बहुत पहले हो जाता है, मेरा मैं जब चेयरमैन था 2 टर्म उसी समय सेंक्शन हुआ, लेकिन अभी तक सामान नहीं। वो साल कौन सा साल था सर, कौन सा सन था? 14-15 में होगा। 2014-15 में आपका सेंक्शन हुआ था, लेकिन वो ट्रैक्टर आज तक आपके दरवाजे पे नहीं आ पाया। नहीं आया महोदय। आपके यहाँ जो 200 MT के गोदाम है, इससे इस पैक्स की आवश्यकताएं पूरी हो जा रही है? अभी तत्काल जो चल रहा है उसमें ठीक है, लेकिन भविष्य में अगर मान लीजिए कि हरित क्रांति संयंत्र मिले और सब बढ़ावा मिले, पीडीएस हो जाए, खाद लाइसेंस हो जाए, तो आवश्यकता बढ़ेगी। अभी आप इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मीन्स किसान के अध्यक्ष हैं और उर्वरक का लाइसेंस आपके पास नहीं है, तो यहाँ के किसान आपको किस तरह से क्या कुछ कहते हैं? जब मेरा लाइसेंस पहले जब हम खुद चेयरमैन थे, लाइसेंस बनाता लोगों को भरपूर मात्रा में हम खाद देते थे और A1 का इफको का DAP यूरिया सब मिलता था, बहुत सहूलियत दर भी मिलता था। लेकिन उसके बाद से सरकार की कानूनी प्रक्रिया आएगी, आप डिप्लोमा कीजिए या केमिस्ट्री ऑनर्स लगाइए। पैक्स चेयरमैन कहाँ से डिग्रीधारी लाएगा? कौन ऐसा केमिस्ट्री डिग्रीधारी पैक्स में आएगा, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? जो पैक्सधारी आएगा तब वो लाइसेंस बनेगा। बिहार के सरकार में, केंद्र के सरकार में अंगूठा छाप मंत्री हो जा रहे हैं, लेकिन एक पैक्स अध्यक्ष जब तक BSc ऑनर्स नहीं होंगे केमिस्ट्री से, उनको ये सब पहले कहना चाहिए। ये जब चुनाव हो जाता है उसके बाद ये नियम वो नियम, और भी कहीं पर हम देख रहे हैं और बगल के डिस्ट्रिक्ट में ऐसा जैसा सुनने में आया है, किशनगंज में ऐसा नहीं है, पूर्णिया में ऐसा नहीं है, सिर्फ अररिया जिला में ये लागू किया गया है। हम लोग हर जगह विजिट करते हैं, करीब करीब पूर्णिया, अररिया, सब जिले की यही स्थिति है, लेकिन अभी जो केमिस्ट्री ऑनर्स वाली बात है वो धीरे से समाप्त कर रही है सरकार। समाप्त कहाँ कर रही है, हम तो कितने दिनों से सुन रहे हैं, कहाँ समाप्त कर रही है? उसमें भी जब मेरा लाइसेंस था तो आपको भी यहाँ पर डिप्लोमा करने के लिए देना चाहिए था। जब शुरू से एक साल का कोर्स है सर डिप्लोमा का, एक साल का कोर्स, हमको कब क्या पता कि कब उसका निकलता है, नहीं ये भी तो जानकारी हम लोग को नहीं मिलती है। ये जानकारी करवाना चाहिए आपके विभागीय लोगों को, जो आपके समिति के लोग हैं ऊपर बैठे हुए, इनको जानकारी कराना चाहिए। हम लोग बार बार जाता, हम लोग भी जाते हैं एग्रीकल्चर ऑफिस, तो समझ में नहीं आता, बोलता कब होगा डिप्लोमा, नहीं होगा भी पता नहीं। हम लोग कैसे क्या कर सकते, कितना दौड़े हैं, डेली दौड़ना संभव भी नहीं ना, उतना पैसा कहाँ से आएगा, लोग पेट्रोल में जलाएगा। चलिए सर, ये 2023 के नए साल हम लोगों की जिंदगी में खुशियों का पैगाम लेके आया है, इस अवसर पे आप अपने पंचायत दबड़ा की जनता को और उन किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हम किसान भाइयों क्या कि? किसान तो बहुत बेबस है, किसान को क्या कि? हम तो पदाधिकारियों से कहेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में पैक्स को सबल एवं मजबूत बनाए, जिससे किसान का आमदनी बढ़े। जब तक पैक्स सबल नहीं होगा, पैक्स मजबूत नहीं होगा और समिति मजबूत नहीं होगा, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता है। पैक्स को मजबूत करना पड़ेगा और पैक्स में ध्यान देना पड़ेगा पदाधिकारियों को, पैक्स के लिए एक अलग नियम बनावे और जिस पैक जहाँ पैक्स है उसमें किसान की जो भी समस्या हो, चाहे वो सब्सिडी का बीज देता हो, खाद देता हो, जो भी देता हो, मूंग देता हो, चना देता, सब व्यवस्था अगर पैक्स में नहीं होगा सही किसान तक सामान नहीं पहुंच सकता है। और सबसे बड़ा समस्या है फर्टिलाइजर का, जब तक फर्टिलाइजर का पैक्स में लाइसेंस नहीं मिलेगा
किसान को फायदा नहीं पहुंच सकता है। लोग मजबूर रहेंगे ना गलत खाद लेने से, गलत बीज लेने से। इसीलिए सबसे पहले खाद के तो मुख्य रूप से विशेष प्रबंध करना चाहिए। नए साल पे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ नए साल पर उम्मीद है और मैं मानता हूँ कि बार बार देखते हैं कि केंद्रीय सरकार बोलती है ये करेंगे वो करेंगे पैक्स के प्रति, अगर बने और बिहार सरकार का भी सहयोग हो पैक्स को उत्थान हो तो हमारा यही होगा कि पैक्स को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। अभी आपने सुना जिला अररिया प्रखंड जोकीहाट के ग्राम पंचायत दबड़ा के पैक्स अध्यक्ष पीयूष राज के पिता श्री सपूर्व पैक्स अध्यक्ष परमानंद।